सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर साक्षी संजीव ठाकुर को और पाएं ज्योतिष से संबंधित जानकारियाँ, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ अप्रैल के महीना और बेहद है खास, किन राशि वालों को लगने वाला है जैकपॉट और कैसे कैसे जो नौ के नौ ग्रह हैं वो परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि जो है 7 अप्रैल को मंगल का परिवर्तन जो है वो हो चुका है। जब आपको मेरी वीडियो मिलेगी तो मंगल का परिवर्तन जो है हो चुका होगा। 8 अप्रैल को बुध का परिवर्तन हो जाएगा। 12 अप्रैल को जो है राहु केतु का ट्रांजिट हो जाएगा। राहु केतु जो है आपको, सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि मंगल देव आपको पता ही होना चाहिए कि कुंभ राशि में जा रहे हैं, बुध देव जो है वो मेष राशि में जा रहे हैं, राहु जो है वो मेष राशि में जा रहे हैं और केतु जो है वो तुला राशि में जा रहे हैं। तो ये परिवर्तन जो है आपके लाइफ में क्या चेंज लेकर आएगा, इसके लिए मैं अलग अलग वीडियोज जो है आपको बनाकर दे चुकी हूँ। 13 अप्रैल को जो है गुरुदेव का मीन राशि में प्रवेश हो जाएगा। गुरुदेव मीन राशि में जाते ही गुरु की पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी, बरकत आने लग जाएगी। लोगों के पास जो इतने समय से पैसा नहीं आ पा रहा था, लोगों का गोल्ड जो है, अगर आपकी स्थिति गुरु की मजबूत हुई तो आपका गोल्ड जो आपने कहीं गिरवी रखा था वो आपका वापस आने का चांस बनेगा। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट देंगी। उसके बाद 14 अप्रैल को सूर्यदेव जो है वो मेष राशि में जाएंगे, बहुत बढ़िया योग हो जाएगा मेष राशि में। यहाँ पर फिर उसके बाद आपका सूर्य बुध और राहु का मेल होगा, सूर्य बुध राहु का मेल होगा। फिर उसके बाद जो है मेष राशि में 14 अप्रैल को जाएगा। फिर उसके बाद 27 अप्रैल को फिर शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्रदेव जो है वो अपने मीन राशि में जाकर उचकी हो जाएंगे। फिर 29 अप्रैल को शनिदेव जो है वो राशि परिवर्तन कर लेंगे, वो कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो ये होगा ग्रहों का खेल। और इसी बीच जो है चंद्रदेव जो है वो ढाई दिन के लिए हर राशि में जाते रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा जो है वो फास्ट मूविंग प्लैनेट है और जल्दी वो चले जाते हैं। अब आपकी राशि पर इसका क्या इफेक्ट आएगा, नौ प्लैनेट्स का जो चेंजिंग पोजीशन जो हो रही है। अप्रैल का महीना जो मैं आपको पिछले 2 महीने से बता रही हूँ, बेहद खास, तो आपके लिए कैसा रहेगा। तो धन के मामले में मिलेगा साथ मिथुन और सिंह राशि वालों को। धन के मामले में तो इनको मिला जुला साथ जो है वो मिलेगा, धन के मामले में मिला जुला साथ मिलेगा किसको, मिथुन राशि वाले और सिंह राशि वालों को। यानी कि मिथुन लगन भी कह सकते हैं आप, मिथुन राशि भी कह सकते हैं, सिंह लगन भी कह सकते हैं, सिंह राशि भी कह सकते हैं। तो नौ ग्रहों का इन राशियों पर प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद कुंभ राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि। दोबारा से सुन लीजिएगा, धनु राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, इन सब को जो है आप सभी के लिए ये जो गोचर है प्लैनेट्स का, 9 प्लैनेट्स का जो मूविंग का जो ट्रांजिट है, आप लोगों के लिए बहुत बहुत खुशनुमा और बेहद बेहद शुभ होने वाला है। उसके बाद चलते हैं किन राशि वालों के लिए अशुभ होने वाला है, जिनको रखना है खासा अपना ध्यान, वो है मेष राशि, क्योंकि यहाँ पर बरकत थोड़ी सी खत्म होगी मेष राशि वालों की, पैसा भर जाएगा आप लोगों का। और कन्या राशि, धनु राशि और कुंभ राशि, कन्या राशि वालों को भी छोटे एक्सीडेंट से जो है ध्यान रखना है। और धनु राशि वालों को तो पिछला 18 महीने उनके बहुत बढ़िया थे, लेकिन अब थोड़ा संभल के चलना है, और कुंभ राशि वालों को भी संभल के चलना है। तो ये 4 मेजर प्लैनेट्स हैं या मेजर राशियां हैं जो आपको, 9 प्लैनेट्स जो है आपके लाइफ में क्या इफेक्ट देंगे उसको मैंने आपको बताया शॉर्ट में। और इसकी फुल वीडियोज जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख कर, उसे क्लिक करके आप पूरी फुल वीडियोस का जायका जो है वो ले सकते हैं। तो मेष, कन्या, धनु, कुंभ इन राशि वालों के लिए रहने वाला है ये 9 ग्रहों का गोचर अशुभ, इन लोगों को रहना है थोड़ा सा सावधान। तो दर्शकों, ऐसे ही और वीडियोस के साथ में आपके साथ में मिलती रहूंगी, लेकिन आप लोग हमें 9:30 बजे लाइव पर फ्री कुंडली एनालाइजेशन में जरूर मिलें, अपनी कुंडली का एनालाइजेशन करवाएं और अपने कुंडली पर बात करें। आप अपॉइंटमेंट लेकर मिलना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेकर हमसे पर्सनली मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से भी हमसे बात कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि शनि 2.5 साल के लिए, राहु केतु 18 महीने के लिए, बृहस्पति 13 महीने के लिए मेजर प्लैनेट्स का चेंज हो रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।
राधे राधे।